आज मैं आपको कोकन स्पेशल कटहल की सब्जी यानी कच्चे फनस की भाजी बनाना बता रही हूँ। इसके लिए आपको एक प्याला कच्चा काटा हुआ फनस लेना है और एक प्याला उसकी बीज लेनी है यानी अटुल, दो कांदे पतले काटे हुए, एक टमाटर पतला काटा हुआ, थोड़ा नारियल और सूखा जौला आता है वो दो चम्मच लेना है, लाल एक चम्मच लाल मिर्ची पाउडर लेनी है, स्वाद अनुसार नमक लेना है, एक चम्मच गरम मसाला, एक चम्मच धनिया जीरा, आधे चम्मच हल्दी, एक चम्मच हरा मसाला, दो बड़े चम्मच तेल गरम करने रखी हूँ, इसमें दो कांदा काटा हुआ डाल रही हूँ, भुनना है। अभी कांदा गुलाबी कलर हो गया है कांदे का, अभी इसमें मैं हरा मसाला डाल रही हूँ, इसमें हरी मिर्ची, लहसुन, अदरक और कोथमीर का पेस्ट, इसको 2 मिनट अच्छा से भुनना है। अभी इसमें टमाटर डाली हूँ, इसको इसके साथ में नमक डाल रही हूँ, इसमें स्वाद अनुसार टमाटर अच्छे गलते हैं नमक डालने से और जल्दी होते हैं। मीडियम आंच पर ढककर रखती हूँ, 10 मिनट में ये अच्छी तरह से पक जाएगी। अभी ये फनस की बीज हो चुकी है, कच्चा फनस है वो डालने वाले हैं। इसमें जो थोड़ा सा नारियल पिसा हुआ ली थी वो डाल रही हूँ। अभी इसको स्लो आंच पे रख के 5 मिनट पानी को सूखने दूँ। ये कटहल की सब्जी तैयार है, इसका पानी सूख गया है और मैं गैस बंद कर रही हूँ। फनस की भाजी तैयार है, इसको आप लोग बनाओ, खाओ और लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। थैंक यू।